कौन अभी आए थे जांच में? मामा अच्छा, न जानते कहाँ से आए थे? आए थे तो बरहट से। बरहट से क्या बोल के गए? बोल के गया कि देख तो लिए सही में गिरा है घर, उसके बाद जल्द से जल्द हम लोग लग जाते हैं, मुआवजा हम लोग घर बनवाएंगे। अच्छा क्या बोले? घर हम लोग दिलवाएंगे। घर दिलवाने की बात कहे? हाँ चलिए। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि अभी जानते हैं कि बिहार में एक वीडियो वायरल है, एक सीओ जी का ड्राइवर है, सीओ का ड्राइवर है, पीड़ित के कंधे पर बैठ करके जा रहे हैं घर को जांच करने के लिए, और ये मामला पूरे देश में फैल गया। और इसी जांचोपरांत यहाँ बीते दो दिन, एक दिन पहले सीओ और बरहट प्रखंड के वीडियो साहब आए और जांच किए, और जांच करके कुछ आगे रिपोर्ट भेजे, और इसी रिपोर्ट के दौरान फिर यहाँ से दो अधिकारी आए हैं जांचने के लिए। और क्या घर में, पहले इनका परिचय जानेंगे और क्या मामला है और मामला को क्या देखेगा और कब तक इन लोगों को आवास मिल जाएगा। सबसे पहले इनको परिचय जानेंगे और उसके बाद इनसे जानते हैं। सबसे अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद कुमार रंजन बोल रहा हूँ, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक बरहट। अच्छा, आवास पर्यवेक्षक हैं, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हैं, और बरहट प्रखंड से आए हैं जांच में। और जांच में क्या क्या पाए सर? और कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ उड़ के कारण जो मकान दो वो गिर गया है, उसमें हमने सर्वे किया है। अच्छा, और जांच उपरांत पाया गया कि योग्य है, इनका राशन कार्ड भी हम चेक किए, और अभी फिलहाल तो ग्रामीण आवास योजना में लक्ष्य आवंटित नहीं है। नहीं है फिलहाल, हम लोग DDC से रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग पीड़ित को मुआवजा मिल। हाँ, मतलब रिक्वेस्ट किया लेटर के बाद अपना ब्लॉक से हम लोग मांग करेंगे। तो चलिए, एक और सर हैं, इनसे भी जानेंगे। आप अपना परिचय बताइए सर। मैं ग्रामीण आवास सहायक बरहट प्रखंड से, आनंद कुमार मेरा नाम है। अच्छा, अभी जांच में आए सर, वीडियो वायरल हुआ, सीओ आए, वीडियो आए, और अब आप आए, क्या पाए? जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि जिनके घर का परिस्थिति गिरने के बाद काफ़ी ख़राब हो गया है, लोग परिवारों को रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है, और ऐसे मामले यहाँ पे करीबन 6-7 मामले और हैं जिनको देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा है। इनका राशन कार्ड वगैरह भी चेक किया है, वेरीफाई होने के बाद ये क्लियर करते हैं कि अगर हम लोग ऊपर अधिकारी से बात करते हैं इनके बारे में, ताकि इनको योजना मुहैया कराया जा सके जितनी जल्द से जल्द हो सके। लेकिन एक परेशानी है कि इनके यहाँ थोड़ा सामान सामग्री लाने की परेशानी है, तो इसको देखते हुए अगर ये लोग संभव है तो हम लोग उसके पीछे अग्रसर होकर करेंगे। मार्ग बाधा बीच में आ रही है। हाँ। यदि मतलब मार्ग बाधा ना हो तो समय से इसको जल्द से जल्द आवंटित है के माध्यम से बहुत चीजें यहाँ का जो समस्या था सुने, और इन्होंने जल्द से जल्द निपटारा करने का भी आश्वासन दिया, और जो फंड नहीं भी है तो मैं तत्काल DDC से इनका मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आवास मिल जाए। लेकिन एक समस्या यहाँ है मार्ग का, और इस पर क्या कहते हैं पीड़ित परिवार, इसे भी जानते हैं। ऐसे मार्ग का रास्ता अभी आपको दिया जाए तो आप ला सकते हैं वहाँ से मटेरियल? हाँ, ला भी सकते हैं, ला सकते हैं, हम ढो लेंगे। ढो लीजिएगा मटेरियल, वहाँ सामान ढो लीजिएगा, ढो लेंगे। हाँ चलिए, देखिए जैसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।